show writer and the choreographer for the event, managing the technical part of the event. And Varis Films and Entertainment has been very nicely been conducted by Mr. Yash till now, and for many years he has been working on this. And all the lovely contestants had been, it's an honor to have them on stage all together in such a short span. Great job by done by Mr. Yash and the team. और अभी हमारी पूरी टीम आ चुकी है, ग्रूमिंग शुरू हो चुका है, आज पहला दिन है. और इसमें आज ही हमारा दो टाइटल राउंड्स होने वाले हैं, कल भी हैं, और कल एक इवेंट भी होगा. आप लोग पक्का आइए, विच विल बी मोर ऑफ अ स्विमवेयर राउंड एंड देन अ टैलेंट राउंड. उसके बाद सीधा हमारा फिनाले है. सो लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं. आई थिंक सो ऑल द गर्ल्स आर लविंग इट, दे विल बी एंजॉइंग इट फर्दर, बिकॉज अब रियल चीज़ तो अब होने वाला है. एंड आप लोग एज अ मीडिया ज़रूर आइए, पूरा कवर कीजिए. एवरीवन विल बी गिविंग देयर द बेस्ट टू इट. बहुत मेहनत कर रही है टीम, हमारे भाई साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें एंटरटेन कर रहे हैं ऑल द टाइम, ठीक है ना. एंड मिस्टर संजय इज ऑल्सो देयर वर्किंग ऑन दिस टुगेदर. एंड वी हैव अ टैलेंटेड वन ऑफ द मॉडल मिस्टर पूनम, मिस पूनम सॉरी, एंड लवली लेडी, शी ऑल्सो विल ब्रीफ अबाउट हर सेल्फ एंड सुनंदा. एंड देयर इज मोर पीपल लाइक मिस्टर विकी, ही हैज़ बीन द कोर टीम वर्किंग ऑन ऑल दी अरेंजमेंट जो आपको दिख रहा है इसके पीछे. इनका मजबूत कंधों पे हम कर रहे हैं काम, एंड बाकी चीज़ें यश विल एक्सप्लेन फर्दर. चैलेंज टफ रहेगा कि नॉर्मल रहेगा कंटेस्टेंट्स के लिए? कंटेस्टेंट्स में हाँ, यू वांट ब्रीफ? हाँ, सो चैलेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि एवरी इंडिविजुअल जो एक पर्सनालिटी है वो बहुत डिफरेंट है, मतलब वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर या बहुत कॉन्ट्रास्ट है. तो चैलेंज इस तरह से रहेगा कि उन लोग को अपने आप के से ही कम्पीट करना है. हाँ, उनको बहुत ज़्यादा, बिकॉज अब क्योंकि देखो हर हमारे पास एजेस के, हमारे पास मिस हैं, हमारे पास मिसेज हैं, वो उसमें भी कैटेगरीज हैं. तो जो एज फैक्टर को तो मैं नहीं काउंट करूँगा, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है वो सबका बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है. हमें पहले दिन में ही पता लग गया कि चैलेंज तो होने वाला है, मतलब फिनाले इज गोइंग टू बी सुपर, लाइक वेरी अमेजिंग. सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कंपटीशन, लोग एक दूसरे कंपटीशन विद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट तो फुल है. मतलब जैसा ब्रीफ किया, टैलेंट होने वाला है आज, हमारा फिटनेस है, बिकॉज हम लोग शोज में, मतलब इंटरनेशनल भी करते हैं, फिटनेस को लोग ना इतना, मतलब काफ़ी राउंड्स को लोग इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है. अब क्योंकि फिटनेस राउंड हम लोग करवा रहे हैं, एक्चुअली कितने फिट है लोग, नो टैलेंट हो गया, स्विमर हो गया, सो इट्स लाइक कन्वर्ज ऑफ लॉट ऑफ नो वर्सटैलिटी इन देयर ओन पर्सनैलिटी. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सो कम्प्लीटली यू शुड ऑल चेक इट. ये हम इतना डिटेल ब्रीफ नहीं कर सकते, द गर्ल्स ऑफ द स्टोरी कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड. तो आप लोग आइए, एक्सपीरियंस कीजिए हमारे साथ इस चीज़ को. और आज तो खुद इसके बाद इंटरव्यू के बाद फिटनेस राउंड है, आप अटेंड कीजिए आप लोग, एंड सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा. शो करते हैं और मेहनत करना नहीं होता, ये अगर आप चीज़ें करने जा रहे हो तो हो जाता है. अभी ये बताएंगे हमारे बड़े भाई साहब जो हमारे साथ बैठे, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप. पूछे, ये बिहार से दिल्ली आए हैं, दिल्ली से मुंबई आए हैं. नहीं, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि मैं जज नहीं करता, जज तो हमारे जूरी करते. मैं तो चीजें लेकर के आ गया, सारे कंटेस्टेंट को लेकर के. अब जूरी के लिए डिफिकल्ट होंगे, मेरे लिए क्या डिफिकल्ट होंगे? मैं तो एक प्लेटफॉर्म देता हूँ. जी बिल्कुल होना ही है, क्योंकि हर एक स्टेट से अलग अलग खूबसूरत महिलाएं भी आई हैं. आई एम पूनम नेहरा, आई एम ए मॉडल और आई एम ए टीम लीडर. यहाँ मैं बहुत खुश हूँ इन वुमेन्स को देखकर, क्योंकि ऑल वुमेन्स आर वेरी पावरफुल एंड गर्ल्स भी बहुत खूबसूरत हैं. सो मुझे लग रहा है कि बहुत टफ कॉम्पिटिशन है. ये जो इतनी सारी खूबसूरत हसीनाएं जमा की हैं आपने, तो इनमें से आपको कैसा लग रहा है इनके साथ? आपकी कभी मदद रही है इनमें से? क्या आप देख रही हैं इनको, किस नज़र से देख रही हैं आप, और इनमें से किसको जीतता हुआ देख रही हैं? फर्स्ट तो मैं बोलना चाहूँगी, मैं अनामिका शर्मा हूँ, मैं आसाम से हूँ, आसाम गुवाहाटी से हूँ. ये हमारे शो डायरेक्टर यही ब्रीफ करेंगे आपको कि कल की क्या तैयारी है. तैयारी ऑलरेडी स्टेज बनना शुरू हो चुका है निकुंज में, उस पर काफ़ी डिटेल पे काम हो रहा है. बहुत इनोवेटिव स्टेज है, आपको ऐसा स्टेज अभी तक मेरे ख्याल से तो काफ़ी इवेंट्स हम भी कुछ करते हैं ऐसा नहीं है. एंड उस पर काफ़ी महीने से ये मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो लगता है ये इसके पीछे 3 महीने में हर महीने ये एक नया इवेंट लेके आते हैं, बट उसके पीछे साल भर का मेहनत चल रहा होता है. सर, आप लोगों के पीछे जो पीछे की मेहनत होती है, जैसे आप सिखाते
इसमें से कितनी मेहनत करी है आपने, क्या क्या सीखा है, क्या क्या गुण दिए हैं आपको, इनमें से एक ही जीतने वाला है कोई जो टाज का हकदार बनेगा? एग्जैक्टली. अच्छा, ये बहुत अच्छा है. मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूँ, हमारे पास सिर्फ दो दिन में हम इनमें हीरे तो नहीं, ऑफ कोर्स. ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ, दो दिन में हमें इतनी लर्निंग देनी है ताकि दो दिन बाद जो मैं इनकी पर्सनैलिटीज देखूँ मैं बेहतर देखूँ. मतलब यहाँ पे जैसे आए हैं उनसे वो बेहतर बन के ही जाएंगे यहाँ से बेहतर. हाँ एग्जैक्टली. अब इन दो दिनों में एक्चुअली हमने क्या किया, हम चाहते तो अगर इनका आराम से रिलैक्स करा के थोड़ा थोड़ा करा सकते थे, लेकिन हमने इनका फिटनेस भी रखा हुआ है, इनकी ग्रूमिंग रखी हुई है, इनकी कोरियोग्राफी रखी हुई है, इनका डिज़ाइनर राउंड रखा हुआ है, इनकी ग्रूमिंग रखी हुई है, इंटरव्यूज चल रहे हैं. मतलब इन सब चीज़ों की हालांकि अगर मैं देखूँ कुछ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब लेकिन नहीं, इतना फोकस इन लोगों पर इतना इसलिए किया जा रहा है, नहीं, इनकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो के जाए, ट्रेन हो के जाए. और मोस्ट एक्सपेंसिव डायमंड इज कट डायमंड, जो जितना ज्यादा शेप में कटता है तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है. दैट इज वेयर वी आर आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट देम एक्सपीरियंस इन लॉट ऑफ थिंग्स. ये और उनके जो कमियां, उनकी जो गलत चीजें, उनको हम कट कर सकें और उनको एक ऐसा शेप दे सकें जो कि परफेक्शन पे करीब है. इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहे हैं दो, ये दो चीजों पे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. एक तो पहला चीज है इनके कॉन्फिडेंस पे, इनके कम्युनिकेशन पे, इनके एटिकेट्स पे और उनके परफॉर्मेंस पे. ये चीज़ों पे तो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी में हम वर्क कर रहे हैं. उनको अच्छा माइलेज देना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना उसके बारे में, और उनके बारे में जानना कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं एंड उसी पे ही उनको पुश करना. दैट्स द फर्स्ट थिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. मेजरली जहाँ पे लोग लैक कर रहे हैं, एक्चुअली अच्छे हैं लेकिन खुद पे भरोसा नहीं. हमारा काम यह कि उनको ये करना कि आप अपने पे भरोसा रखो. यस सर, यहाँ तक तो आप लेके आ गए, इसके बाद इनके लिए क्या सपोर्ट रहेगा आपका? आप बॉलीवुड में ऑलरेडी और इनके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे कि मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि चार म्यूज़िक एल्बम है. अब वो म्यूज़िक एल्बम का हकदार कौन होता है ये तो हमारे जूरी डिसाइड करेंगे. हमारी चॉइस तो नहीं है क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे एक हैं. हमारा काम है अच्छी चीज़ों को ले करके आना, सेलेक्टिव लोगों को पेजेंट में ले करके आना. अब हमने पेजेंट में चार म्यूज़िक एल्बम है हमारा मंत्रा से. खुद हम दो म्यूज़िक एल्बम हम लॉन्च करने जा रहे हैं. उसके साथ साथ बहुत सारे मूवीज़ के प्रोड्यूसर्स हमारे साथ आ रहे हैं. अब जिन बच्चों का भाग होगा वो खुद लेकर के जाएंगे. कोई किसी को नहीं देता, सब अपनी किस्मत से आए. मैं इनके लिए कोई चीज़ नहीं कर रहा, हो सकता है ये हमारे लिए कर रहे हैं. इनके किस्मत से मैं ये इवेंट कर रहा हूँ. मैंने बताया अभी ऑलरेडी कि ये एल्बम यश गुप्ता नहीं करेगा. And even interest ये सारी चीज़ें इनके लिए ही है. नेक्स्ट इवेंट है हम इनके जो विनर होंगे उनको हम इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म देंगे. इसके बारे में भी ये हमारे शो डायरेक्टर ही ब्रीफ करें. बट नॉट ओनली विनर्स, वी हैव डिसाइडेड, हां मतलब जितने भी पोटेंशियल कंटेस्टेंट्स इस तरह का हुनर पाया, हां एग्जैक्टली, ये कंटेस्टेंट्स के लिए भी है. तो जितने पोटेंशियल कंटेस्टेंट्स हैं वी गोना बी मेकिंग श्योर दैट दे गो इंटरनेशनल एंड मेक आवर कंट्री प्राउड. सो बी एंड इवन द वायरस एंटरटेनमेंट आल्सो गोइंग इंटरनेशनल विद इन दिस ईयर इटसेल्फ. तो उसमें भी सबको प्रमोट किया जाएगा, बी इट मूवीज, बी इट ये वीडियोस, and be it international exposure and be it coverage across the media. Right. So personality development ka bhi jo process hota hai, it's not everyone is looking to act or perform to build their career in terms of being an influencer. So wo bhi ek platform hai jo hamara virus entertainment ko deta hai. And ye mere khayal se har angle se support karne ke liye he is interested and keen to do that. Yeah. Contestants aapke bare mein kuch batana chahenge? जितने भी कंटेस्टेंट हैं दे आर फैबुलस, लेकिन मुझे लगता है सब में एक इंडिविजुअल क्वालिटी है और कुछ कमी भी है. तो मेंटर्स बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट डे से ही हमें समझ में आ गया है कि हम एक बेटर वर्जन यहाँ से लेके जाएंगे. और कुछ लोग घर में काम करते हैं, कुछ लोग बाहर काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो हम अपना टाइम जीने आए तो हर चीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही है हर तरीके से. सो थैंक सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म टू शोकेस आवर टैलेंट एंड पोटेंशियल. सर मैं भी बोलना चाहूँगी, सर हम मैरिड वुमेन्स हैं जो टैलेंटेड हैं,
और अपना स्कूल कॉलेज में टैलेंट वहीं ख़त्म हो जाता है आफ्टर यू गेट मैरिड, बच्चे को बड़े करने में चला जाता है. पर वेर आर वी द टैलेंटेड वुमेन्स, जिसको टैलेंट है वो चाहती कि अपना टैलेंट उभारे. तो आई एम वेरी थैंकफुल वी आर गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म, इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन. एंड आफ्टर कमिंग ईयर वेन वी गेट आर सेल्फ ग्रूम्ड, वी फील वी आर स्टिल मॉडल, वी आर स्टिल यंग एंड वी आर स्टिल गर्ल्स एंड वी हैव ऑल द पोटेंशियल टू प्रूव आर सेल्फ कि हम ये कर सकते हैं. मैंने पहले ओपेरा मिसेस इंडिया 2018 ग्लोबल करी, उसमें मुझे थोड़ा सा कम था. दीवा में करी, मुझे फिर कॉन्फिडेंट आया. अब इधर आया तो आई एम रियली फीलिंग आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू, आई कैन अचीव एंड आई थिंक ऑल माई फ्रेंड्स आर कॉन्फिडेंट दे कैन डू. एंड ये प्लेटफॉर्म से ना हम लोग को, हमको लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में. हमारा जीवन ख़त्म नहीं हुआ मम्मी बन के, बच्चे बन के, बस पालना, सोफे में सोना, टीवी देखना, बस यही नहीं. हमारा जो कॉन्फिडेंट है, जो टैलेंट हम बचपन में सीखे, स्कूल में सीखे, वो हम और बढ़ा के दूसरों को भी दे सकते. That's all. We talk about women empowerment, but I believe women don't need to be empowered. We are already empowered. We are already much ahead of our male counterparts. We just need to come out of our shell and to fulfill our dreams to create something new for us. And that's what I think we all are here for, to create something new for us, to get a new identity and individuality. And I thank Virus Printer Entertainment for providing all of us this platform to showcase our talent. And I'm totally mesmerized by seeing all the mothers, all the wives. They are all so talented, so unique in themselves. Sir, मैं यही बोलना चाहूँगी कि sir, मतलब यहाँ पर आने से हम लोगों को जो कहते हैं जो सपने अधूरे रह गए थे, कि उम्र होने के बावजूद भी आदमी सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमें आकर यहाँ सीखने को मिला कि सपने देखना नहीं छोड़ना चाहिए, सपनों को जीना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की. सर वी ऑल आर फाइटर्स. आई थिंक दिस पेजेंट इज अ रे ऑफ होप फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर द वंडरफुल लेडीज राइट हियर. एंड थैंक्स टू द वायरस फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री गुप्ता सर फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड वी आर रियली एंजॉयिंग एंड लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू. तो जी सर, क्या शादी के बाद अगर हम लोग यहाँ पर अपने सपने जी रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है. ये चीज़ प्लेटफॉर्म हमें यश गुप्ता ने दिया है, तो हमें मतलब अपने आप में प्राउड फील होता है कि आज हम यहाँ पर हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है. एंड थैंक यू यश गुप्ता जी, जो हमें इस प्लेटफॉर्म में आपने खड़ा किया है. और थैंक यू ऑल लेडी. सो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, मैंने बहुत सारी जगह सुना है ऐसा, मैंने कोई पेजेंट ऐसा तो नहीं किया, लेकिन जहाँ मिस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है बिकॉज लगता है कि वो फ्यूचर में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बट ये टोटली एक मिथ है. यहाँ आकर ये समझ में आया है, हमको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है और बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है. हमको बिल्कुल ऐसे फील नहीं हो रहा कि हम लोग कुछ अदर पार्ट पे कुछ काम करने आए हैं. सो वी आर फीलिंग लाइक गर्ल्स इवन हियर. या ऑल आर गर्ल्स. ऐसा कोई मुकाम नहीं होता जहाँ लोग आपको डम करने की लोग हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन आपको जब इनर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, लेकिन डू इट, यू कैन ऑब्वियसली डू इट. सो देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, वी ऑल कैन डू द सेम थिंग. सो वेयर देयर इज विल देयर इज द वे. या टैलेंट है और हम सब विनर है यहाँ पर. सो सबके लिए तो मन को समझने वाले. यस सर, वेरी इजी टू पार्टिसिपेट व्हेन यू आर मिस बिकॉज यू हैव नो रिस्पांसिबिलिटी, बट इफ यू आर मैरिड देन यू हैव मल्टीपल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, एवरीथिंग. बिकॉज इवन इन दिस सोसाइटी, दिस इज ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, सो दिस इज अ पेजेंट वेयर द वुमन कैन रेज देयर ओपिनियंस, देयर वॉइस. सो आई थिंक दिस इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ग्रो अप फॉर वुमन. कोई मिस भी निकल के बोले. थैंक्स मिस्टर यश गुप्ता एंड वायरस एंड फिल्म्स एंटरटेनमेंट हैज गिवन अस अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवरसेल्फ एंड टू कम अहेड. एंड ऑफ कोर्स वी ऑल आर विनर्स ऑलरेडी, सो आई डोंट फील लाइक, आई डोंट थिंक लाइक वी आर नॉट विनर्स एंड वी आर नॉट गोइंग फ्रॉम हियर लाइक विद एनीथिंग. वी आर गोइंग विद द कॉन्फिडेंस एंड वी आर गोइंग विद, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर लर्निंग हियर.
So we will be definitely achieving that target and that thing, whatever we are coming to prove us over here. Thank you so much, Yash Gupta. Proud of us. अरे मेरी मम्मी कर सकती है तो हम भी कुछ करना चाहिए लाइफ में, है ना? आँख मिलाती है तू हर दर्द से, तुझी से आज तुझी से कल है, हे नारी तेरे पास हर मुश्किल का हल। हेलो, थैंक यू।